गांव से निकलने वाले बच्चे की यही तकलीफ होती है कि उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको आईना दिखा देते हैं, बेटा चलो निकलो यहां से। लेकिन ये डिटरमाइंड था, इसने बोला मैं हार नहीं मानूंगा। एक कहानी सुनाता हूं इस बच्चे की, बड़ी अच्छी कहानी है। इस बच्चे ने पहली मशीन जो देखी अपनी लाइफ में वो एक लूना थी। जब इसके टीचर गांव में गए पढ़ाने तो लूना देखी, बड़ा खुश हो गया लूना देखी, उसको पास जाके देखने लगा कि लूना कैसी होती है। तभी टीचर पीछे से आए, उन्हें लगा कि शायद मेरी लूना खराब कर रहा है ये लड़का। उन्होंने उस जमाने में नीम की शंटी चला करती थी, धनाधन बच्चे की पिटाई होना शुरू हो गई। तो ये बच्चा भागा नहीं बल्कि उस वक्त टीचर से पलट के कहा कि सर मारो मत मुझे, एक दिन बड़ा होकर मैं भी लूना लूंगा। ये उसका ड्रीम था, गांव में रहने वाले लड़के का, जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, बिजली ना हो, सड़कें ना हो, लेकिन उसने एक ड्रीम पाला कि मैं एक बड़ी लूना लूंगा। और फिर धीमे धीमे किसी ने कहा कि ये लड़का पढ़ने में थोड़ा ठीक है, इसको शहर ले जाओ। शहर में पहली बार उसने जाके जो है ए फॉर एप्पल सीखा जब वो छठी क्लास में आया। पढ़ते पढ़ते 11वीं 12वीं हिंदी मीडियम से, विशुद्ध हिंदी भाषी से पढ़ते पढ़ते 12th पास कर लिया इसने। आप ही की तरह, आप तो भी बहुत बेहतर स्कूल से पढ़ रहे हो, ये तो बहुत ही जो ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बैठने के लिए बेंच कुर्सी भी नहीं होती, वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करता था। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो फोटोग्राफ है उससे देख सकते हैं कि इसकी माली हालत क्या रही होगी, कैसी पढ़ाई की होगी इसने, जो किताबें विताबें रखी हुई हैं। ये उसका एक ही पिक्चर, उस जमाने में पिक्चर नहीं हुआ करते थे तो एक ही पिक्चर मिला। उसके बाद ये गया दिल्ली कि 12वीं के बाद जहाँ जिस टाउन में ये पढ़ता था उस टाउन में BSc करने का कोई कॉलेज नहीं था, तो दिल्ली में घूमने लगा कि मुझे कोई फॉर्म दे दे ताकि मैं एडमिशन ले लूँ BSc करने के लिए। वहाँ पे एक कॉलेज है, वहाँ पर हंसराज कॉलेज, वहाँ पर ये अंदर गया और बोला काउंटर से कि सर मुझे फॉर्म चाहिए BSc करने के लिए। तो काउंटर वाले ने ऐसे देखा जैसे कोई जंगल का प्राणी आ गया हो उसके सामने, बोला कहाँ से आए हो बेटा? उसने बोला यूपी से आए हैं। तो वो काउंटर वाला उठ के बाहर निकल आया, मतलब कुछ पूछा ही नहीं उठ के बाहर निकल आया, मार्क्स भी नहीं पूछे उससे कितने तेरे मार्क्स हैं, और कहा कि बेटा ऐसा करो कि सामने रोड पे 323 नंबर की गाड़ी है, वो ISBT जाती है, 5 रुपए निकाले, ये पैसे पकड़ो और वापस चले जाओ, क्यों अपना टाइम वेस्ट करो। फॉर्म तक उसको नहीं दिया, इतना ह्यूमिलिएट हुआ उस वक्त कि आंखों में आंसू भर के वो बच्चा बैठ गया ISBT वापस। क्योंकि गांव से निकलने वाले बच्चे की यही तकलीफ होती है कि उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको आईना दिखा देते हैं, बेटा चलो निकलो यहां से। लेकिन ये डिटरमाइंड था, इसने बोला मैं हार नहीं मानूंगा। मेहनत की, कड़ी मेहनत की इसने, कहीं पे BSc में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन दिल्ली घूमने से, आगरा घूमने से, आसपास घूमने से इसको ये पता चल गया कि IIT की तैयारी भी होती है, इंजीनियरिंग की तैयारी भी होती है, किताबें विताबें फोटोकॉपी करा करू के किसी तरीके से इसने अपनी तैयारी वैयारी शुरू की। एंड देन वुड यू बिलीव ही करेक्ट इनटू द ऑल द एग्जामिनेशन ऑफ दोस टाइम्स, ही गॉट इनटू IIT, ही गॉट इनटू UP। एंड उसके बाद एक इसने ठीक ठाक करियर बनाया और आज की डेट में ये क्या कर रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी अपनी कहानी है, अब लोग ये कहते हैं मेरे से कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, अब कहते हैं आपके अंदर तो बड़ा स्किल सेट है, आप तो बड़े स्मार्ट है। मैंने कहा अभी हाल में मैंने कहा मैं एक बुक लिख रहा हूं, तो किसी ने कहा आपके अंदर बड़ा टैलेंट है। मैंने सोचा कि 20 साल पहले आप लोग हमको धक्के मारकर बाहर निकाल देते थे। फिर मैंने उनको जवाब दिया कि सर ये बात टैलेंट की नहीं है, ये बात टैलेंट की नहीं है, टैलेंट कोई चीज नहीं होती, अगर कोई चीज होती है तो सिर्फ एक चीज होती है, वो होती है जोश। अगर जोश है आपको काम करने का, टैलेंट चल के आएगा आपके पीछे। टैलेंट, स्किल सेट, नॉलेज, स्पोकन इंग्लिश, सब कुछ आएगा आपके पीछे। जुनून होना चाहिए आगे बढ़ने का, उस पर कोई कसर नहीं करनी चाहिए आपको। सिर्फ एक ही चीज पालिए अपने अंदर, अगर पालनी है वो आग पालिए, आग को पालना सीखिए, अपने आप को तपाना सीखिए उसके अंदर। सफलता, सक्सेस, नौकरी कोई चीज नहीं है, सब चल चल कर पीछे आएंगे आपके पीछे, मेरी बात का यकीन करिए, मैंने करके देखा है।